2023 की न्यू रीइनकार्नेटेड इसेकाई एनीमे जिसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ एरिस्टोक्रेट रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर काजुया को देखते हैं जो कि एक दुकान की तरफ जा रहा होता है। तभी अचानक से दुकान में से काफी सारे लोग डर के बाहर भागने लगते हैं। वहीं पर दो लड़कियां काजुया से टकराकर वहीं पर गिर जाती है। तभी हमें पता लगता है कि उस दुकान में से तो एक चोर होता है जो कि सभी को मारने वाला था। वो अब बाहर आकर उन्हीं दो लड़कियों के ऊपर हमला करने वाला होता है। ये चीज काजुया भी देख लेता है और अब वो उन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए उस चोर पर ही गिरकर उसे रोक लेता है। वो अब उन लड़कियों से कहते हैं यहाँ से जल्दी से चली जाओ। तभी काजुया नोटिस करता है कि उसको तो चाकू लग गया है और उसे खून निकल रहा है। ये देखकर वो चोर डर के वहां से भाग जाता है। वहीं पर काजुया जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर वो लड़कियां काजुया के पास आकर रोने लगती है। वहीं काजुया कहता है मेरी वजह से ये लड़कियां रो रही है, क्या मैं अब मरने वाला हूँ। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं काजुया एक अलग जगह पर उठता है। वो कहने लगता है क्या ये हॉस्पिटल है। तभी एक मेड उसको देखकर रोने लगती है और कहती है मास्टर काइन आप उठ गए। वहीं पर काइन की मम्मी भी उसे गले लगा लेती है। ये सब देखकर काजुया काफी कंफ्यूज होता है। वो शीशे की तरफ देखता है तो उसे एक बच्चा दिखाई देता है। वो पूछता है ये कौन है। वो पागल हो जाता है, वो कहने लगता है आखिरकार ये कौन है। तभी मेड कहती है लगता है काइन काफी कंफ्यूज है क्योंकि वो एक हफ्ते बाद उठ रहे हैं। जिस पर काइन की मॉम कहती है हाँ लेकिन इसका फीवर तो उतर गया है, हमें इसे थोड़ा और रेस्ट करने देना चाहिए। ऐसा बोलकर मेड और काइन की मॉम वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद काइन अपने चेहरे को शीशे में देखता है। वो कहता है मैं तो एक बच्चा बन गया, कहीं मैं रीइनकार्नेट तो नहीं हो गया। ऐसा तो लाइट नोवेल में होता है, इसका मतलब है कि मैं वहां पर मर गया लेकिन कोई नहीं, मैंने उन लड़कियों को तो बचा लिया। जिसके बाद काइन कहता है अगर मैं रीइनकार्नेट हो गया हूँ तो यहाँ की सराउंडिंग चेक करता हूँ। और अब वो इधर से उधर चीजें चेक करने लगता है। तभी वहां पर मेड आ जाती है खाना लेकर। मेड को लगता है कि काइन ने अपना बिस्तर गीला कर लिया है इसलिए वो जल्दी से जाके उसके कपड़े चेंज करने लगती है। ये देखकर काइन शर्मा जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो मेड काइन को खाना खिलाकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि काइन को अपनी फैमिली के बारे में पता लगता है। काइन का पूरा नाम काइन वॉन सिल्फोर्ड है और वो 3 साल का है। उसके फादर का नाम है गाम, उसकी मम्मी का नाम है सारा और उसकी 5 साल की बहन रेने। एक्चुअली में सारा उसके फादर की सेकंड वाइफ है। पहली वाइफ का नाम है मारिया और फिर उसके 2 बेटे हैं जिसका नाम है जिन और दूसरे का है एलेक। इसका मतलब काइन उसके फादर का 3रा बेटा है। काइन अब बताता है कि उसके फादर एक हाई रैंक नोबल है और उसकी खुद की एक आर्मी है जो कि दुश्मनों से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और वह फॉरेस्ट ऑफ मॉन्स्टर्स पर निगरानी रखते हैं। ये सब बातें काइन को मेड बता रही होती है। काइन ये सब सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। काइन को अब एडवेंचरर के बारे में भी पता लगता है जो कि मैजिक का यूज करके मॉन्स्टर को मारते हैं। काइन अब कहने लगता है मुझे भी मैजिक यूज करना है। तो मेड कहती है उसमें अभी टाइम है, तुम्हें अभी पढ़ाई करनी होगी। ये सुनकर काइन अब डिसाइड करते हैं कि वो इसी वर्ल्ड में रहकर मैजिक सीखेगा। वो अब कहता है जिस वर्ल्ड से मैं आया हूँ उस वर्ल्ड में मेरे लास्ट रिलेटिव रह रहे थे जो कि मेरे दादाजी थे, लेकिन वो भी चल बसे। मैं अकेले रहता था इसलिए मैं उस जगह को बिल्कुल मिस नहीं करने वाला हूँ। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं काइन के पेरेंट्स काफी खुश होते हैं कि काइन अभी से मैथमेटिक कर सकता है। वही काइन मन में कहता है मैं इन लोगों को कैसे बताऊं कि मैं तो हाई स्कूल का बच्चा हूँ, मेरे लिए तो ये आसान ही होगा ना। वही अब काइन उनसे कहते हैं मैं तो बस इस वर्ल्ड के बारे में सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब वो अपने फादर से कहते हैं क्या आप मुझे परमिशन दोगे मैजिक की बुक और किंगडम की हिस्ट्री बुक पढ़ने के लिए। ये सुनकर काइन की बहन उसे कहती है तुम अभी रेडी नहीं हो मैजिक सीखने के लिए, तुम्हें मेरी तरह बैप्टाइज होना होगा। और अब काइन के फादर भी काइन से कहते हैं हाँ तुम्हें बैप्टाइज होने के लिए 5 साल का होना होगा। वही अब काइन की मॉम कहती है उसके बिना तुम मैजिक यूज कर ही नहीं पाओगे। जिसके बाद हम लोग काइन को अपने रूम में देखते हैं जो कि मैजिक यूज कर पा रहा है। तभी अचानक से वहाँ पे मेड और काइन की बहन आ जाती है। उन्हें देखकर जल्दी से काइन अपने मैजिक को रोक लेता है। मेड के जाने के बाद काइन थोड़ा रिलीफ फील करता है लेकिन तभी उसे पता लगता है कि वहां तो उसकी बहन होती है। वो अब काइन से कहने लगती है मुझे पता है तुम इस बुक में वर्ल्ड की इनसाइड सीक्रेट जान रहे हो ना, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। ये सुनकर काइन कहता है अच्छा इन लोगों ने पकड़ा नहीं कि मैं मैजिक यूज कर पा रहा था। और अब अगली सीमन लोग देखते हैं काइन की बहन हर रोज अब उसे इस किंगडम की हिस्ट्री के बारे में बताती है। इस किंगडम को बनाने से पहले यहाँ का किंग एक एडवेंचरर हुआ करता था और उस किंग का नाम यूया था। फिर काइन की बहन उसे बताती है कि इस वर्ल्ड के अंदर एल्फ ड्वार्फ और बीस्ट फोक भी हैं और एक काफी फ्लफी चीज भी। काइन ये सब सुनकर कहते हैं काश मैं अभी से ही बाहर जा पाता लेकिन मुझे अभी 2 साल का वेट करना होगा मेरे बैप्टाइज होने के लिए। और अब अगली सीन में लोग देखते हैं 2 साल बीत जाते हैं। काइन अब 5 साल का हो गया और थोड़ा कूल लगने लगा है। उसे देखकर काइन की बहन उसकी दीवानी ही हो जाती है। वो अब काइन से जाकर कहती है इतनी जल्दी बड़े मत हुआ करो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सभी लोग वहां से निकल जाते हैं क्योंकि आज काइन को बैप्टाइज होना है। वहीं अब काइन बाहर निकलने के बाद कहते हैं तो ये है बाहर की दुनिया। और अब काइन अपनी बहन से कहते हैं मैजिक स्टेटस क्या होता है। ये सुनकर उसकी बहन कहती है मैं तुम्हें दिखाती हूँ और वो अपना स्टेटस दिखाती है। काइन देखता है कि उसके पास तो 4 एलिमेंट होते हैं और प्रोटेक्शन होती है। तो अब काइन की मोमो से बताती है कि तुम्हारी बहन को गॉड ऑफ मैजिक से लेवल 2 की प्रोटेक्शन मिली है और प्रोटेक्शन लेवल 5 तक होता है और ये प्रोटेक्शन तुम्हें गॉड से मिलती है। जिसके बाद अब हम लोग देखते हैं वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर 7 गॉड की मूर्ति होती है जिन्हें पूछकर बैप्टाइज हुआ जा सकता है। और अब काइन जाकर उन मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगता है। वहां पर खड़े प्रीस्ट भी गॉड से कहने लगते हैं इस बच्चे को बैप्टाइज कर दो। तभी अचानक से गॉड की मूर्ति में से लाइट निकलने लगती है। ये देखकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं।
तभी अचानक से काइन एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग बैठे होते हैं। तभी एक गोड काइन से कहते हैं, हम लोग गोड हैं, हम लोग इसी दिन का वेट कर रहे थे। ये सुनकर काइन शॉक हो जाता है। वो कहते हैं, मुझे किसी ने नहीं बताया था कि गोड मेरे सामने आकर मुझे बैप्टाइज करेंगे। तभी एक गोड कहते हैं, मेरा नाम जीनोम है, मैं गॉड ऑफ क्रिएशन हूँ, मैंने ही इस दुनिया को क्रिएट किया है। और अब वो राइम नाम के गोड से कहते हैं, काइन को उसके रीइंकार्नेशन के बारे में बताओ। और हमें पता लगता है कि राइम डेथ और रीइंकार्नेशन की गॉड है। वो अब कहती है कि तुम्हारी डेथ थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। वो उसे कहती है, तुम उन दो लड़कियों को बचाते वक्त मर गए थे ना, दरअसल अगर तुम उसे नहीं बचाते तो वो क्रिमिनल वैसे भी फिसल कर गिरने ही वाला था और फिर आसपास के लोग उसे पकड़ने वाले थे। ये सुनकर काइन रोने लगता है। वो कहते हैं, क्या इसका मतलब मैं फालतू में मरा, मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। तो राइम उसे कहती, हाँ लेकिन तुम अच्छा काम करके मरे, इसलिए गॉड ऑफ अर्थ ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं तुम्हें इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट कर दूं। और मुझे लगा कि तुम्हें अपना डायपर चेंज करवाना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हारी मेमोरीज ब्लॉक कर दी थी। लेकिन जब तुम 3 साल के हुए तब अचानक से तुम्हारी मेमोरीज वापिस आ गई, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर काइन उसे कहते हैं, माफी मत मांगो, मेरी मेमोरीज मुझे वापस मिलने के बाद मैं पढ़ना लिखना सीख पाया, मैं मैजिक भी सीख पाया, और तो और मुझे एक काफी अच्छी फैमिली भी मिली है, इसलिए मैं आपका काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी मेमोरीज मुझे वापस लौटा दी। ये सुनकर गॉड ऑफ मैजिक काइन के पास आती है और कहती है, मुझे तुम पसंद आए, मैं तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन देती हूँ। तभी जीनोम भी उसे कहते हैं, हाँ मैं भी तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन दूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं एक एक करके सभी गॉड आने लगते हैं और काइन को अपनी प्रोटेक्शन देने लगते हैं। और अब जीनोम काइन से कहते हैं, तुम्हारे जाने का समय हो गया है, और अब वो हंसने लगते हैं। जिसके वापस हमें टेम्पल का सीन दिखाया जाता है। वो प्रीस्ट कहने लगते हैं, मैंने कभी भी गॉड के स्टैचू को इतना चमकते हुए नहीं देखा है। ये सुनकर काइन के फादर कहते हैं, लगता है काइन को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिल गई गॉड की। और वो काइन से कहते हैं, अपना स्टेटस दिखाओ। वहीं पर काइम को थोड़ी गड़बड़ लग रही होती है, इसलिए वो भाना मारता है कि मेरे पेट में दर्द है। ऐसा बोलने के बाद वो भाग जाता है। भागकर आने के बाद वो थोड़ा दूर आकर बैठ जाता है। वो फिर अपना स्टेटस चेक करता है और काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहने लगता है, मैं किसी को भी अपना स्टेटस नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि काइन के तो सारे मैजिक लेवल 10 के होते हैं, और तो और उसे जो सारे गॉड्स की प्रोटेक्शन मिली है वो भी सारे लेवल 10 की होती है। काइन कहता है, हाईएस्ट लेवल तो लेवल 5 होता है और मुझे 10 लेवल दे दिया है। अब समझ आया आखिरकार गॉड हंस क्यों रहे थे, मुझे कैसे भी करके अपने स्टेटस को छुपाना होगा। तभी जीनोम उसे कहते हैं, वो करने के लिए अपने स्टेटस काउंसिल का यूज करो। ये सुनकर काइम खुश हो जाता है और वो इसी स्किल का यूज करता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं। वहीं काइम सभी को बताता है कि मुझे गॉड से काफी सारी प्रोटेक्शन मिली है। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं, ऐसी बात है तो अपना स्टेटस दिखाओ। तो अब काइम सभी को अपना स्टेटस दिखाता है। उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके फादर से कहने लगते हैं, ये क्या, तुम्हें तो सभी गॉड से प्रोटेक्शन मिली है, तुम्हारा मैजिक इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। ये सुनकर काइम मन में कहते हैं, अरे यार मैं इसे फिक्स करना भूल गया। तो उसके फादर कहते हैं, महल के जो मेजेस होते हैं उनकी मैजिक पावर सिर्फ 10,000 होती है और तुम तो बस 5 साल की हो और तुम्हारी इतनी ज्यादा मैजिक पावर। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं, ये तो काफी अमेजिंग है। वही काइम के फादर उसे कहते हैं, अपना स्टेटस किसी और को मत दिखाना कभी भी, किसी को पता लगा तो वो तुम पर शक करने लगेगा। ये सुनकर काइन कहते हैं, ठीक है मैं समझ गया, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा अपने स्टेटस के बारे में। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन अपने रूम में आता है जहाँ पर वो एक समनिंग मैजिक की बुक देखता है। वो कहने लगता है, शायद से अब मैं एक फ्लफी एनिमल को समन कर पाऊंगा। ऐसा बोलकर अब वो बाहर की तरफ चला जाता है और बाहर जाकर एक फ्लफी एनिमल को समन करने लगता है। लेकिन एक एनिमल की जगह वहाँ पर गलती से एक मॉन्स्टर समन हो जाता है। तब यहाँ से काइन की बहन और एक कैट गर्ल जा रही होती है। वो मॉन्स्टर उन्हें देखकर उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। ये देखकर काइन जल्दी से उनके सामने आ जाता है। वो याद करते हैं किस तरीके से अर्थ पर एक क्रिमिनल ने उन लड़कियों के ऊपर हमला कर दिया था। वो याद करके काइन अब जाकर उस मॉन्स्टर को मारने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर काइन को ही मुक्का मार देता है। लेकिन फिर भी काइन हार नहीं मानता है। वो कहने लगता है, मैं किसी को भी रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। जिसके बाद वो अनसमनिंग करके उस मॉन्स्टर को वापस भेज देता है और अब वो जमीन पर गिर जाता है। और अब काइन की बहन और वही कैट गर्ल उसके पास आकर रोने लगती है। काइन अब कहने लगता है, मेरी वजह से ये दोनों रो रही है। तभी थोड़ी देर बाद काइन खड़ा हो जाता है। वो कहता है, मैं तो मरा ही नहीं। काइन को ठीक देखकर वो दोनों काइन को गले लगा लेती है। काइन अब कहने लगता है, ये दोनों स्माइल कर रही है, मैं इस दुनिया में लोगों की हेल्प करूंगा, इसी से मुझे खुशी मिलेगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग इकट्ठा होते हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं काइन के बर्थडे को। और अब काइन के फादर से पूछते हैं, तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो। तो काइन कहता है, मैं काफी अलग अलग जगह पर जाना चाहता हूँ, नई नई चीजें सीखना चाहता हूँ, काफी सारे लोगों की हेल्प भी करना चाहता हूँ, काफी सारे लोगों से मिलना भी चाहता हूँ, इसलिए आप सभी की स्माइल को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं एक एडवेंचरर बनूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं राइम जीनोम से पूछती है, क्या ये सही रहेगा, क्योंकि हमने काइन को प्रोटेक्शन लेवल 5 से ज्यादा दिया है। जिस पर जीनोम कहते हैं, ये तो बहुत कम है, जब वो 16 ईयर्स का हो जाएगा उसे पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनना होगा, आगे चलकर हमें काइन की ताकत की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। तो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग न्यू हो और यहाँ तक वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।